राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावत नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रपति जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शाहबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली, बड़ी खुशी की बात। और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकापरस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही हमेशा से, अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे।